बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनान एजुकेशन। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बग़ैर किसी सॉफ्टवेयर के या बग़ैर किसी एक्सटेंशन के किस तरीके से अपनी यूट्यूब वीडियोस को अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, ऑनलाइन आपने थोड़ा सा काम करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप जिस वीडियो को भी अपने मोबाइल के अंदर या अपने कंप्यूटर के अंदर सेव करना चाहते हैं, आपने उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले आप YouTube पे चले जाएं। मिसाल के तौर पे आजकल मुझे ये नात बहुत पसंद है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसे अपनी USB में सेव कर लूँ। उससे पहले मुझे इसे सेव करना पड़ेगा, तो मैं चाहता हूँ कि इसे डाउनलोड करूँ और बाद में मैं इसको सुनता रहूँ। तो इसको मैं क्लिक कर लूँगा। क्लिक करने के बाद मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ और यहाँ ऊपर जो इसका लिंक है, इस लिंक पर आप एक बार क्लिक करेंगे तो ये खुद ही सिलेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं सिलेक्ट होता तो कंट्रोल ए आप प्रेस करें, ये लिंक सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल सी के साथ आप इस लिंक को कॉपी कर लें। ये लिंक कॉपी हो चुका है, या इसी तरह आप इसको राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और एक न्यू टैब आपने ओपन करनी है और उस न्यू टैब में इस लिंक को आपने पेस्ट करना है, कंट्रोल वी करना है, या फिर आप इसको राइट क्लिक करके यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ आपने भी एंटर वगैरह कुछ प्रेस नहीं करना। आपने क्या करना है कि शुरू में जहाँ www.YouTube लिखा हुआ है, आपने अपने माउस को, अपने कर्सर को यहाँ पर लेकर आना है और YouTube के शुरू में आपने दो बार S प्रेस करके अब इसको एंटर कर देना है। जब आप इसको एंटर करेंगे तो आपका ये लिंक एक नई वेबसाइट पर जाकर ओपन हो जाएगा और आप इस टैब में देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन वीडियो डाउनलोडर। तो यहाँ आपको किसी किस्म की एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं और यहाँ तक कि आप अपनी इस वीडियो की क्वालिटी भी चेंज कर सकते हैं। आप इसको अभी यहाँ पर जो है वो 720 और 360 दो क्वालिटीज़ अवेलेबल हैं। यहाँ से मैं 720 को ही ओके रहने देता हूँ और उसके बाद यहाँ से मैं डाउनलोड के बटन पर क्लिक करूँगा। तो ये देखिए अभी रीडायरेक्टिंग हो रही है। इस टैब को आप बंद कर दें तो अभी यहाँ पर देखें ये आपकी वीडियो डाउनलोडिंग पर लग चुकी है, डाउनलोड होना शुरू हो गई है। आप कंट्रोल जे प्रेस कर दें तो यहाँ आपको इसकी डाउनलोडिंग का भी पता चलता रहेगा कि कितनी डाउनलोड हो चुकी है, कितनी बाकी है। और ये बहुत ही आसान तरीका है, इसमें आपको किसी किस्म का डाउनलोडर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन आप अपनी वीडियोज़ को अपने कंप्यूटर के अंदर सेव कर सकते हैं। तो देखिए मेरी डाउनलोडिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी वीडियो की डाउनलोडिंग वो कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ मैं अब क्लिक करता हूँ शो इन फोल्डर। तो ये एक फोल्डर में डाउनलोड्स में आप यहाँ से देख सकते हैं डाउनलोड्स में ये डाउनलोड होकर आ चुकी है। तो यहाँ से इसको कट करके मैं अपनी पसंद की जगह पर इसको सेव कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ। ये देखें मैं इसको USB ड्राइव में सेव कर रहा हूँ। मैंने वहाँ से कट किया और यहाँ आकर इसको मैंने कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दिया। तो ये मेरी डाउनलोडिंग भी मुकम्मल हो चुकी और उसके साथ ही मेरी जो वीडियो है वो मेरी USB में भी पेस्ट हो चुकी है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।